वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मनीषा। सो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बुकमार्क्स बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जीरो कॉस्ट बुकमार्क्स कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों के साथ ये बुकमार्क शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने इसे मोस्टली वेस्ट चीज़ों से ही बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे ले लिया ये बहुत सारे टैग्स, ये जो कपड़ों के साथ आते हैं, तो मैं इनको बहुत दिनों से इकट्ठे कर करके रख रही थी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके ऊपर बेसकोट। बेसकोट के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे जेसो। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप अक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। कुछ टैग्स को मैंने व्हाइट में कलर किया है और कुछ टैग्स को मैंने ब्लैक में। तो सबसे पहले टैग्स में हम करेंगे अभी मंडाला आर्ट, डॉटिंग मंडाला। तो इसके लिए मेरे पास जो जो भी घर में जो जो भी टूल्स थे राउंड शेप के, वो मैंने यूज किया है। आपके पास जो जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर डॉटिंग टूल से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर्स यूज किया है, वाइट, पिंक, ऑरेंज, येलो और रेड। तो अब ये ड्राई होने के बाद मैं थोड़ा मेटालिक गोल्डन कलर से इसे हाईलाइट कर रही हूँ। बस हमारा फर्स्ट टैग बन के रेडी है। अब बढ़ते हैं सेकेंड टैग की तरफ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बोहो पेंटिंग। तो कुछ रैंडमली मैंने दोनों कलर्स लेके पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बस हमें इसे ड्राई होने देना है और हम बनाएंगे इस पे लीफ पैटर्न। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है राउंड ब्रश नंबर 1। कुछ इस तरह से मैंने सेकंड वाले टैग को भी रेडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टैग की तरफ। तो इस पे मैंने ऑलरेडी येलो एक्रेलिक कलर कर लिया था। तो अब डाइविंग पंच की हेल्प से मैं एक मून बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ पेड़ पत्ते, और इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है ये 0 नंबर का राउंड ब्रश। मैंने यहाँ पे कलर्स अपने अकॉर्डिंग चूज किया है। बेस पेंट के लिए मैंने यूज किया है एक्रेलिक कलर्स, और पेंट करने के लिए, जो पेंटिंग बनाने के लिए, मैंने रंगीला कलर्स का यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये छोटा सा एक बर्ड। तो बस कुछ इस तरह से हमने थर्ड वाले टैग को भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वाले टैग के ऊपर मैंने लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया है। अब मैंने लिया है ये व्हाइट पेन, इस पे मैं करूंगी मंडाला आर्ट। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फ्लावर पैटर्न बनाना है। आप चाहे तो पिंटरेस्ट से भी आप अपना जो पैटर्न है वो डाउनलोड करके बना सकते हैं। रेडी हो चुका है। अब हम लोटस फ्लावर को और जो जो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स ऐड करने वाले हैं, और थोड़ा सा पोलका डॉट बनाते हुए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो दूसरी टैग है उस पे मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर कर लिया है। मैंने लिया है ये व्हाइट 3D आउटलाइनर। अब इस पे मैं करूंगी बर्ली आर्ट। मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोकोनट ट्री। सेम इसमें भी मैं कहूँगी कि आप पिंटरेस्ट से बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल होते हैं, आप उससे देख के भी बना सकते हैं। पे मैं बना रही हूँ एक बर्ली मैन जो कि ढोल बजाते हुए, यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक ढोल और एक बर्ली मैन। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे टैग की तरफ। टैग के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स ले लिया है और उसको मिक्स करते जा रही हूँ।
तो बस हमें इसे पूरी तरह से ड्राई होने देना है। और ड्राई होने के बाद मैंने इस पे एक कोड लिख दिया है, सिंपली डू व्हाट यू लव। बस ये ड्राई हो गया है, अब हम व्हाइट एक्रिलिक कलर से थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बढ़ते हैं दूसरे टैक्स की तरफ। तो इस पे मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर कर लिया था, तो इसके ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ लीफ पैटर्न। करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 0 नंबर ब्रश और मेटालिक गोल्डन कलर से कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है। और इस पे थोड़ी सी पोल्का डॉट्स बना के इसको मैंने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे दूसरे वाले टैग की तरफ। तो इस पे हम बनाने वाले हैं मूनलाइट पेंटिंग। मैंने ये छोटा सा मून बना लिया है और पेड़ और ये झूला को बनाते हुए इस तरह से मैंने कुछ इसको कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मैं सोच रही थी ये छोटा सा बुकमार्क के ऊपर मैं क्या करूं, देन मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि मैं छोटे छोटे हार्ट्स क्यों ना बनाऊं इसके ऊपर। सो दैट इट, मैंने इसको छोटे छोटे हार्ट्स बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो लग रहा है ना ये बहुत ज्यादा क्यूट। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे सबसे ज्यादा क्यूट एंड लास्ट बुकमार्क की तरफ। तो इस पे मैंने सिंपली जिगजैग पैटर्न बना दिया है मेटालिक गोल्डन कलर से। बस ये हमारे बनके सारे बुकमार्क्स रेडी है। आपको ये ट्रैश टू ट्रीजर वाला DIY कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब ये है कि इन्हें बांधना कैसे है। तो मैंने इसके लिए एक पिंक कलर का रिबन लिया है, आपके पास जो जो भी रिबन है आप ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये टैग्स को बांध दिया है। इन सारे बुकमार्क में से आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कौन सा पेंटिंग मेथड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आगे जो भी वीडियोस लाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।